नमस्कार। हर चीज को देखने का अपना एक नजरिया होता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में देखते हैं। जैसे कि ये मेरा टूटा हुआ वॉश मशीन, मैं इसे गार्डनिंग ट्रे के रूप में देख रही हूँ और इसमें मैं एक ट्रे गार्डन बनाने जा रही हूँ। इसके लिए ये ठीकरियाँ मैंने चुनी है। एक ये टूटे हुए गमले का टुकड़ा है जिसमें होल है, इसको मैं इस तरह से रख दूंगी और इसके आसपास ठीकरियाँ जमा दूंगी। अब इस होल के ऊपर ये ठीकरी लगाऊंगी। ठीकरी हमेशा कर्व एरिया की साइड से ही लगाते हैं क्योंकि ये होल पर जाकर इस तरह से होल को बिल्कुल बंद कर देती है, जिससे कि पानी रुकने से हमारा पौधा गलकर सड़ जाता है। अब इसके चारों तरफ ठीकरियों की 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर लगा देंगे। ये हमारी ड्रेनेज लेयर तैयार हो गई है। अब इसके बाद सभी तरह के सूखे पत्ते लेकर 1.5 से 2 इंच मोटी लेयर दबा दबा कर भर देंगे। सूखे पत्तों का ये फायदा है, एक तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा और जब भी पौधे को नमी की जरूरत होगी देगा, उसके बाद धीरे धीरे ये गलकर खाद में तब्दील हो जाएगा। अब इन पत्तों को गीला कर लेंगे। इसके बाद ये सॉइल मिक्सचर डालेंगे। ये सॉइल मिक्सचर मैंने अपनी वीडियो ऑन ग्रोन मेथड में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं इसमें गांव का सीन क्रिएट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये पेड़ चुना है। ये करंज का पेड़ है। ये पेड़ सेट हो गया है। अब मैं इसके बाद इसमें कलर देने के लिए ये वाला पौधा लगाऊंगी। और किनारे किनारे ये पर्पल टर्टल वाइन को हेज की तरह लगा दूंगी। ये पौधे सेट करने के बाद आप इसमें पानी डालिए। अब ये मेरे पास कुछ एक्सेसरीज है जो मैं इसमें सेट करने जा रही हूँ। ये हाउस, ये यहाँ मैं ग्लू गन से बाद में चिपका दूंगी, अभी आपको ऐसे ही रखकर दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा दीजिए। नेचुरल लुक आ जाएगा। आपके पास मॉस ग्रास हो तो मॉस ग्रास भी लगा सकते हैं, इससे एक तो नमी बनी रहती है और दूसरी बात लुक नेचुरल आ जाता है। यहाँ पेड़ के नीचे मैंने 2 गाय बिठाई हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ट्रे गार्डन बनकर तैयार हो गया है। इस पेड़ की जड़ों के पास पर्पल टर्टल वाइन ऐसे लग रही है जैसे कि कुछ झाड़ियाँ उगाई हैं। ट्रे गार्डन बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि पेड़ पौधे चुनते समय सेम रिक्वायरमेंट के पेड़ पौधे लें। अगर आप
धूप वाले पौधे चुन रहे हैं तो सारे ही पौधे धूप वाले चुने, अगर छाया वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो सारे ही पौधे छाया वाले लगाएं। इसी तरह पानी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें, अगर आप कम पानी वाले पौधे चुनते हैं जैसे कि सकुलेंट तो कम पानी वाले ही पौधे लगाएं। ट्रे गार्डन बनाते समय किसी भी तरह की ट्रे में पेड़ पौधे लगाते समय ध्यान रखें कि पेड़ पौधों की कैनोपी ट्रे से बाहर ना निकले। इस तरह से आप थोड़ी सी सूझबूझ और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा घर में बेकार पड़े हुए सामान को सुंदर रूप दे सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सजा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आप जो भी ट्रे गार्डन बनाएं कृपया कमेंट सेक्शन में उसकी फोटो जरूर अपलोड करें। धन्यवाद।